हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वी एम एकेडमी क्लासेस नासिक हम देख रहे हैं हमारे ट्वेल्थ का केमिस्ट्री देख रहे हैं चैप्टर नंबर सेवन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन इसका थेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इसके मैंने नाइन लेक्चर अपलोड किए तो आपको सब देखना जरूरी है आज का लेक्चर नंबर टेन आज हमें देखने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो जेई के क्वेश्चन देखेंगे कुछ नेट के देखेंगे एम एस के देखेंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोगों ने पूरे थेरी के लेक्चर अच्छे से करके नोट्स बनाना ज़रूरी है तभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आएंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने से पहले पहले जो नाइन वीडियो है इसे एक दो बार क्या करना है आपको फिर से रिवाइज करके देखना है ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए क्योंकि ये थोड़ा सा थेरोटिकल पार्ट था तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेक्चर नंबर टेन चैप्टर नंबर सेवन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन ऑक्सीजन फैमिली हेलोजन फैमिली या फिर उसे फ्लोरिन फैमिली कह सकते हो एंड द इनर्ड गैसेस एकेडमी नासिक चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का एक क्वेश्चन आया था नीट 2019 में विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर एच टू फॉर एलिमेंट तो यहाँ पे एलिमेंट देखो कौन से कौन से दिए है एलिमेंट दिए ऑक्सीजन मतलब पूरी ऑक्सीजन फैमिली दिए ऑक्सीजन सल्फर उसके बाद तीसरा दिया है सेलेनियम उसके बाद आगे का है टेलोरियम एंड पोलोनियम यहाँ पे ई है और पूछा है कि स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है ओके okay. तो हमें पता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है जो हमारे पीरियड होते हैं उसमें ऊपर से नीचे क्या होती है डिक्रीज होती है ओके okay. तो ऑक्सीजन फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन से लेकर क्या होगा नीचे तक एक तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी मतलब ये दोनों भी ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं आने वाले एक तो क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऊपर से नीचे इंक्रीज होगी तो ये पीरियडिक टेबल में ऐसे होते ऑक्सीजन सल्फर एस ई टी ई पी ओ तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी एक तो इंक्रीज होगी या ऊपर से नीचे जाते हुए डिक्रीज होगी तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट आ सकता है ये ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं होगा ओके तो ये दोनों ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये सिक्वेंशियल नहीं तो क्या होता है जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है हमेशा डिक्रीज होती है फ्रॉम एच टू ओ टू एच टू पी ओ तो एच टू ओ से एच टू पी ओ तक क्या होगी ये ऑर्डर डिक्रीज होती है हमेशा मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है एच टू ओ उसके बाद एच टू एस फिर एच टू एस सी फिर एच टू टी ई फिर एच टू पी ओ तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है द ऑप्शन बी इज करेक्ट सबसे स्टेबल होगा ये उससे थोड़ा कम स्टेबल उससे और कम स्टेबल उससे और कम स्टेबल और सबसे लेस स्टेबल होगा तो ले इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा तो ऐसे आपको क्या करना है इसे याद रखना है द सेकंड क्वेश्चन मैच द जेनॉन कंपाउंड तो जेनॉन कंपाउंड हमने लास्ट लेक्चर में देखे लास्ट लेक्चर जेनॉन कंपाउंड का ही था तो दो कॉलम दिए कॉलम वन में जेनॉन कंपाउंड दिए और कॉलम टू में उनके स्ट्रक्चर का नाम दिया है आपको क्या करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ उसे मैच करना है क्वेश्चन है नीट 2019 नाइनटीन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के तो हमने दिखाए थे तो कैसे दिखा होंगे तो देखो जो एक्स फोर होता है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है एक्ससी एफ सिक्स जो होता है ये होता है स्क्वायर बाय पिरािडल ओके उसके बाद जो आता है थर्ड वाला एक्सीफ फोर जो होता है ये होता है, यह होता है. यहाँ पे पिरामिडल होता है और एक्सी ओ थ्री क्या होता है ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल सीमेंट्री को दिखाता है तो इसके ये ऑप्शन होंगे तो चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखो फर्स्ट का होना चाहिए बी सेकंड का होना चाहिए डी फर्स्ट का बी फर्स्ट का बी मतलब ये दोनों तो कट गए सेकंड का डी ये भी कट गया कौन सा करेक्ट है दिस ऑप्शन इज करेक्ट कभी कभी स्ट्रक्चर दिए जाते नाम नहीं दिए जाते स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देते नाम नहीं दिए होते पॉइंट दिखाए जाते सिर्फ और फिर भी आपको मैच करना पड़ता है थर्ड क्वेश्चन फिर से मैच द गिवन इन कॉलम ए प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम बी तो कॉलम ए में ऑक्साइड दिए कॉलम बी में उनके प्रॉपर्टी दिए हमें क्या करना है एग्जैक्ट मैच करना है ये भी नेट ओडिशा 2019 का क्वेश्चन है तो देखो क्या दिए यहाँ पे तो कॉलम वन जो होता है उसमें दिए ऑक्साइड और बी में क्या दिए उनके आ, प्रॉपर्टीज दिए तो क्या होता है एन ए टू ओ तो मैंने आप लोगों को बताया था जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के वो क्या होते हैं बेसिक होते हैं तो इसका आएगा बी तो ये मेटल है मेटल का ऑक्साइड क्या होगा बेसिक होगा अभी आपको लगेगा कि ए एल टू भी मेटल है तो ये नहीं ये एम्फोटेरिक होता है एम्फोटेरिक मतलब ये बेसिक के साथ भी रिएक्ट हो सकता है एसिडिक के साथ भी रिएक्ट हो सकता है फिर ये नॉन मेटल है नॉन मेटल का क्या होता है हमेशा ये क्या होता है न्यूट्रल होता है ओके okay, ये क्या होगा सोडियम का न्यूट्रल होता है सॉरी नाइट्रोजन का और ये नॉन मेटल है ये क्या होगा नॉन मेटल का क्या होता है एसिडिक होता है तो इनके पेयर ऐसे होंगे तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए का होना वह फर्स्ट का होना चाहिए बी तो फर्स्ट का भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी तो ये भी कट गया ये भी कट गया सेकंड का क्या होना चाहिए डी तो सेकंड का यहाँ पे डी है तो ये ऑप्शन क्या है करेक्ट है थर्ड का ए होगा और फोर्थ का क्या होगा यहाँ पे सी होगा तो ऐसे क्या करना है मैच द होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द ओलियम फ्रॉम फॉलोविंग टू नीट 2019 का क्वेश्चन है उड़ीसा का तो ओलियम हमें पता है ओलियम H2SO4 के प्रिपरेशन में बनता है H2SO4 बनने से पहले तो उसका एग्जैक्ट फार्मूला तो उसका एग्जैक्ट फार्मूला आप लोगों को याद रखना है एच टू एच टू ओ सेवन तो ये उसका क्या है करेक्ट फार्मूला है तो इतने क्वेश्चन अभी तक आए थे कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं तो चलो कुछ एडिशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखते हैं पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आपके विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इन्थेल्पी तो हाइस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इन्थेल्पी इनमें से किसकी होगी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे क्या कह दिया है देखो फ्लोरिन दिया है क्लोरिन दिया है ब्रोमिन दिया है और आयोडिन दिया है तो इलेक्ट्रॉन जो गेन इंथेल्पी होता है इनमें से सबसे हाइएस्ट किसका होगा तो इसका आंसर होगा बी क्लोरीन एक्चुअल फ्लोरिन का होना चाहिए था लेकिन फ्लोरिन की साइज छोटी है छोटी साइज होने की वजह से और इसके पी और वाइटल में क्या होता है जब ये किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है तो वहाँ पे रिपल्शन होता है तो ये हमने देखा था इसकी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होती है इसकी कम होती तो स्ट्रॉन्ग हाइयर किसका होगा निगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथेल्पी किसका होगा यहाँ पे क्लोरीन का होगा सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा सल्फर का पहले मेंबर का क्या होता है एनमोलस बिहेवियर है ऑक्सीजन भी नहीं होगा तो सेकंड मेंबर जो है सल्फर उसका होगा ऑक्सीजन की भी क्या है छोटी साइज है एज कंपेयर टू सल्फर तो सल्फर का क्या होगा हाइयर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सी द थर्ड क्वेश्चन द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल इज कितने बार बोल चुकी हूँ मैं कौन है सेकंड ऑक्सीजन एफ ओ एन सी एल ऐसे याद रखना है तो पहला फ्लोरीन दूसरा ऑक्सीजन तीसरा नाइट्रोजन और क्लोरीन का ऑलमोस्ट सेम ही है तो आपको ऐसे याद रखना है तो सेकंड इलेक्ट्रोनिगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पीरियोडिक टेबल का कौन होगा होगा ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर इनमें से कौन प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो कौन से कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जनरली माइनस टू अगर ज हो गए तो माइनस वन फ्लोरिन के साथ हुआ तो प्लस टू और अगर सुपर ऑक्साइड हुआ तो माइनस आप तो देखो इतने दिखाता है लेकिन प्लस फोर नहीं दिखाता तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन नेक्स्ट देखो फाइव नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन डज नॉट एक्सिस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड कौन अपने कंपाउंड में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता तो कौन होगा यहाँ पे एफ टू फ्लोरिन का कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता ऑलवेज माइनस वन चाहे किसी के साथ ज्वाइन करो खुद के साथ भी उसको ज्वाइन किया तो भी पॉजिटिव कभी भी नहीं आएगा हमेशा क्या होगा निगेटिव याद रखना है ओके okay. उसके बाद है नेक्स्ट फ्लोरिन कैन एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तो बताया माइनस वन ओनली इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी इसकी ये जिसके साथ चाहे बॉन्ड बना सकता है लेकिन हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका माइनस वन ही रहेगा कभी भी चेंज नहीं होगा किसी के भी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इसके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप सिक्सटीन आर वीकली एसिडिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज तो क्या होगा करेक्ट ऑर्डर एसिडिटी का तो वीकली एसिडिक होता है तो यहाँ पे ऑर्डर ऐसे होगा एच टू टी एच टू पी ओ को तो छोड़ दो क्या इलेक्ट्रॉन uh, ये रेडियो uh, एक्टिव है तो एच टू पी टी थोड़ा सा एसिडिक होगा उससे कम एसिडिक कौन होगा एच टू एस उससे कम थोड़ा सा एसिडिक एच टू एस और वाटर सबसे न्यूट्रल होता है ये एसिडिटिक नहीं होता न्यूट्रल बन जाता है तो ये सबसे लेस होगा तो करेक्ट ऑर्डर ये होगा तो वाटर लास्ट में होना चाहिए बिकॉज वी नो वाटर इज न्यूट्रल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेस्ट लेस होलाटाइल इनमें से कौन लेस होलाटाइल होलाटाइल नेचर पता है अगर हवा के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इनमें से कौन होगा ऐसा जो लेस होलाटाइल होगा तो वाटर क्या है बिकॉज इट इज इन लिक्विड स्पेज तो लिक्विड स्टेज में होने की वजह से ये क्या है लेस होलाटाइल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर में इनमें से कौन लिक्विड स्टेट में होता है तो एच एफ क्या होगा रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होगा बाकी सारे क्या है गैसे स्टेट में होते नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रांगेस्ट एसिड इनमें से सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा है तो क्या होगा एच आई पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे जब क्या होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या है ऊपर से नीचे प्रॉपर्टी क्या होती है इंक्रीज होती है तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा यहाँ पे एच आई क्योंकि की की वैल्यू बहुत ज्यादा है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सल्फर इन ऑर्थोरबिक सल्फर इज कितनी होती है एट एस एट होता है फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन एस एस डबल बॉन्ड इनमें से किसके पास एस एस डबल बॉन्ड होगा तो देखो 12 नंबर का आंसर क्या होगा यहाँ पे थायो थायो सल्फोरस एसिड तो थायो सल्फोरस एसिड के पास क्या होगा डबल बॉन्ड होगा तो थायो सल्फोरस एसिड कैसे होता है S डबल बॉन्ड S यहाँ पे डबल बॉन्ड O यहाँ पे OH एच यहाँ पे OH ऐसे होता है तो इसके पास क्या होगा अरे मैंने नीचे लिख दिया शायद तो यहाँ पे लिखा मैंने तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा थायोसल्फोरस एसिड के बीच में होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने ऊपर का यहाँ पे लिखा है गलती से द मोलिक्यूलर फार्मूला एच टू एच टू ओ सेवन रिप्रेजेंट विच ऑक्सो एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग एच टू एच टू ओ सेवन क्या करता है इनमें से कौन किसे फॉर्म करता है तो यहाँ पे क्या करता है ये थारस एसिड को क्या करता है यहाँ पे फॉर्म करता है तो तो सॉरी ये थायो था पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को तो देखो यहाँ पे एक ही बॉन्ड होगा यहाँ पे वापस सल्फर होगा सल्फर इस साइड में डबल बॉन्ड ओ ओ, ओ ओ एच ओ एच तो ऐसे क्या होगा ऐसे बॉन्डिंग होगी इसकी तो इसका नाम क्या है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन पायरोसल्फरिक एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज तो पायरोसल्फरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है सल्फर की तो आपको याद रखना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी प्लस सिक्स ओनली तो प्लस सिक्स होगी सिर्फ चाहे तो करके देखो तो क्या फार्मूला था उसका एच टू एच टू ओ सेवन इसका होगा प्लस वन इसका होगा माइनस टू सेवन टू जा फोर्टीन माइनस फोर्टीन प्लस टू कितना हो जाएगा माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व उस साइड में जाओगा तो ट्वेल्व होगा डिवाइड बाय टू तो कितना आएगा प्लस सिक्स उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्ट अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइ ऑक्सीजन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डाइ ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए क्या होगा रॉन्ग स्टेटमेंट है इनकरेक्ट फिफ्टीन नंबर डाइ ऑक्सीजन कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस ये तो करेक्ट है लिक्विफाई लिक्विफाइट नाइनटी केलविन फ्रीज एट फाइव फिफ्टी फाइव ये भी करेक्ट है उसके बाद है थर्ड जो है मोलिकुलर ऑक्सीजन ओ टू एक्जिबिट डाया मैग्नेटिक नहीं ये तो पैरा मैग्नेटिक होता है ये इनकरेक्ट है इट हैज थ्री स्टेबल आइसोटोप तो इसके तीन आइसोटोप ये भी करेक्ट है तो सी स्टेटमेंट क्या है इसके लिए रॉन्ग है कि उन्होंने बताया ये डाया मैग्नेटिक है बट एक्चुअली क्या है वो पैरा मैग्नेटिक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक ऑक्साइड इनमें से कौन सा बेसिक ऑक्साइड है तो बेसिक ऑक्साइड क्या होता है जनरली मेटल का होता है तो कैल्शियम क्या है ये तो एम्फोटेरिक ये न्यूट्रल या क्वेश्चन ओजोन इस प्रेयर फ्रॉम ऑक्सीजन बाय तो ओजोन को प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को क्या किया जाता है यूज किया जाता है ओजोन के प्रिपरेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ओजोन लेयर इज़ डिप्लेटेड बाय इनमें से किसके वजह से ओजोन लेयर का क्या हो रहा है डिप्लेशन हो रहा है तो देखो 18 नंबर ओजोन लेयर का डिप्लेशन के लिए इनमें से कौन रिस्पॉसिबल है एनओ NO. और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ओलियम तो अभी हमने देखा था हाँ, नीट में भी आया था एच टू एच टू ओ सेवन आपको याद रखना है एच टू एच टू ओ सेवन Is the oleum. Next, देखो क्वेश्चन। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइक्साइड इज इनमें से कॉन्टैक्ट प्रोसेस में डिजोल्व किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही क्या करते हैं उसे डिजोल्व करते को एक बार देख लो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एच आई एसिड वेन ही तो कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर के साथ अगर एच आई को हीट करते हो तो ये क्या फॉर्म करता है आई टू को क्या करेगा ये फॉर्म करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन प्रोसेस इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इनमें से किसके मैन्युफैक्चर में इस प्रोसेस को यूज किया जाता है तो क्लोरीन के मैन्युफैक्चर में इस प्रोसेस को यूज करते हैं हमने देखी क्लोरीन बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपॉन रिएक्शन विथ क्लोरिन कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है इनमें से किसके साथ रिएक्शन करोगे तो एफ SO2, एस ओ फोर टू एन ए टू थ्री ऑल ऑफ दिस सबके साथ क्या करता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ही काम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोविंग इंटर हेलोजन डज नॉट एग्जिस्ट इनमें से कौन सा इंटरहेलोजन एग्जिस्ट नहीं होता तो देखो सी एल एफ होता है सी एल एफ टू ये कभी भी नहीं होगा फ्लोरिन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरिन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ पे ये कभी नहीं होगा बी आर एफ फाइव होता है आई सी एल थ्री ये भी होता है तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका डज नॉट मतलब कभी भी ये एग्जिस्ट नहीं होता ऐसा कभी कंपाउंड फॉर्म ही नहीं होता तो ट्वेंटी फोर का होगा बी नेक्स्ट देखो ट्वेंटी फाइव नंबर मैंने बहुत यहाँ पे इस साइड से कर दिया है इन इंटर हेलोजन कम्पाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन इज नेवर द सेंट्रल ऐटम द इंटर हेलोजन कम्पाउंड में नीचे से दिया गया कौन सा कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनता है तो इसका आंसर होगा फ्लोरिन क्योंकि फ्लोरिन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता नेक्स्ट है अमॉन्ग द नॉन इंटर हेलोजन कंपाउंड द मैग्म नंबर ऑफ एटम इज कितने मैक्ममम नंबर होते तो देखो यहां पे तो इसका आंसर है डी आई एफ सेवन मैक्सिमम सात और एक आठ मतलब कितने एट तो कितने होते हैं मैक्सिमम एट होते हैं. आपको लगेगा सेवन आई एफ सेवन है तो नो आई एफ एफ सेवन है लेकिन उसमें आयोडीन भी तो ऐड करना है तो कितने होंगे एट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ इंटर इंटरहेलोजन कंपाउंड फॉलोइंग ऑर्डर इनमें से कौन सी स्टेबिलिटी ऑर्डर है इंटर हेलोजन कंपाउंड की कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो सी एल एफ सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आई सी एल उससे थोड़ा कम स्टेबल होता है आई बी आर उससे कम स्टेबल होगा बी आर सी एल कम होगा और बी आर एफ सबसे लेस स्टेबल तो इसका आंसर है सी ये भी मैंने लिया था आप लोगों को जब बताया था स्टेबिलिटी उसके बाद है क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ फ्लोरिन टू फॉर्म क्लोरीन एक्सेस फ्लोरिन के साथ जब रिएक्ट होता है तब क्या फॉर्म होता है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे, होता है है पे फॉर्म ये भी सीएलए सी एल एफ थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बी आर सी एल रियक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म अगर बी आर सी एल वॉटर के साथ रिएक्ट होता है तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा तो यहाँ पे एच ओ बी आर और एच सी एल ये यह प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज़ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें से किसके पास वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका आंसर होगा सी तो ये आय होगा एक दो तीन चार पाँच और एक क्या होगी इस पर लोन पेयर होगी तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है इस पर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच ऑफ द फॉलोविंग हैज़ थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें से किसके पास थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका आंसर होगा आई सी एल तो ये जो आयोडीन है सी एल एक दो तीन क्या होती है इसके पास लोन पेयर यहाँ पे सी एल चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मोलिक्यूल्स आर विद देयर करेक्ट शेप तो इनमें से कौन सा जिसके करेक्ट शेप के साथ क्या किया गया है पेयर किया गया है तो देखो आई थ्री माइनस का बेंड शेप लिखा है उन्होंने तो ये रॉन्ग है बी आर एफ फाइव का ट्राइगोनल पिरापिडल लिखा है ये भी रॉन्ग है सी एल एफ थ्री का ट्राइगोनल प्लेनर रिखा है ये रॉन्ग है बी आर एफ फोर का स्क्वायर प्लेनर लिखा है ये क्या है करेक्ट शेप है बाकी सारे रॉन्ग है हमने देखे सबके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच कौन सा इनकरेक्ट मैच है रॉन्ग मैच ढूंढना है हमें तो एक्ससी एफ टू लीनियर होता है यस yes. एक्ससी ऐसे होगा लीनियर होगा यहाँ पे एक्ससी एफ फोर स्क्वेयर प्लेनर होता है ये भी करेक्ट है एक्सी ओ थ्री क्या होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहाइड्रल होगा क्या एक्सी ओ थ्री यहाँ पे थर्टी थ्री तो ये क्या है इनकरेक्ट मैच है एक्सी ओ एफ फोर क्या होगा स्क्र पिरामिडल ये भी राइट right, है तो इसका आंसर क्या होगा सी तो इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे ले लिए ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ है जल्दी मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी ट्रांजिशन एंड इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स तब तक के लिए पढ़ते रहिए खुद का ख्याल रखिए नोट्स बनाइए जितने एमसीक्यू हैं उसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए होमवर्क होम है नीचे दे, देखो करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है ये चार एमसीक्यू है इन चार एमसीक्यू के आंसर आप लोग खुद से ढूंढोगे पहला है विच ऑफ़ द फॉलोइंग विच रिएक्ट विथ फ्लोरिन इनमें से कौन फ्लोरिन के साथ रिएक्ट होगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेटल कौन होगा वेन सी एल टू गैस इज पास थ्रू हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एन एवज सोल्यूशन डैश डैश फॉर्म इनमें से क्या फॉर्म होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज होती है तो इन चारों क्वेश्चन को आप खुद से करोगे और आंसर मुझे एक तो कमेंट करोगे या फिर मैसेज करोगे सो थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स